डियर फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग कुछ एक क्वेश्चन करने वाले हैं। इसे क्लास सिक्स सेवन और एट के बच्चे बना सकते हैं, कॉमन सा कंसेप्ट है। इवन नाइन्थ के बच्चों के लिए भी ये हो सकता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं फिगर में कि एक क्यूब बन रखा है जिसका साइड आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर, और आपको कुछ चीजों को फाइंड करना है। पहला फाइंड करना है इसका टीएसए, टोटल सरफेस एरिया। दूसरा फाइंड करना है आपको इसका सीएसए, दैट इज कर्व सरफेस एरिया। और तीसरा निकालना है आपको वॉल्यूम। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 6a² ए आपको गिवन है 4, तो 6 × 4 × 4 कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 96 cm². सीएसए क्यूब निकालना है। सीएसए जो होता है वो होता है 4a². सीएसए का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया, तो 4 और a की जगह पे 4 × 4, तो ये आपको 4 × 4 = 16 × 4 = 64 cm². फिर आपको वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है a³, तो 4 × 4 × 4 कर दिया तो 64 cm³। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है जिसमें आपको एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है 96 square cm और आपको उसका साइड निकालना है। तो टीएसए ऑफ क्यूब जो है वो क्या होता है, वो ऑलरेडी गिवन है और उसका फॉर्मूला होता है 6a² 6a² इक्वल्स 9600, यानी ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 9600 को 6 से डिवाइड करेंगे यानी 1600, ए स्क्वायर इक्वल 1600 यानी ए इक्वल्स क्या हो जाएगा √1600 यानी ए इक्वल्स 40 cm। तो साइड आपका निकल गया 40 cm। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रूम है जिसका साइड जो है वो आपको दिया हुआ है, द साइड्स ऑफ द रूम आर इन द रेशियो 3:2:4, वॉल्यूम गिवन है, बोलता है लॉन्गेस्ट साइड निकालो। तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो साइड्स हैं, ये रूम एक बना देता हूं आपके सामने और मैं ये इसका रेशियो दिया हुआ है 3:2:4, और हम ये मान लेते हैं कि साइड्स में कॉमन रेशियो है एक्स, यानी ये एल जो है वो हो जाएगा 3x, बी हो जाएगा 2x और हाइट हो जाएगा 4x। ये क्यूबॉइडल शेप है, तो लेंथ 3x हो गया, विड्थ 2x हो गया, हाइट 4x हो गया, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम जिसको आयतन कहते हैं हिंदी में, उसका फॉर्मूला होता है L × b × h। तो 3x × 2x × 4x और ये हो गया 24x³, और ये 24x³ वॉल्यूम दिया हुआ है 24,000 m³ के बराबर हो गया, यानी x³ क्या हो जाएगा, इस 24,000 को 24 से डिवाइड करना है, x³=1000, और फिर 1000 को आप क्या लिख सकते हैं, 10³, x³ = 10³, यानी x जो है आपका 10 m आ गया। अब लेंथ निकाल लो, तो 3x लेंथ वाला पार्ट ये है आपका 3 × 10 = 30 m, विड्थ 2x 2 × 10 = 20 m और हाइट 4 × x = 40 m। तो ऑब्वियसली यहां पर हाइट जो है वो लॉन्गेस्ट साइड है, दैट इज 40 m। फिर आपको क्या रखा है कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 3375 cm³, आपको उसका साइड निकालना है। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, a³ जो है वो दिया हुआ है आपको 3375 जो है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने यहाँ किया है, आप देख रहे हैं बगल में, पहले 5 से डिवाइड किया तो 675, फिर 5 से किया तो 135, फिर 5 से डिवाइड किया तो 27 को 3 से किया तो 9 को 3 से किया तो 3। तो ये क्या देख रहे हैं कि इसमें 5 तीन बार आया है और 3 तीन बार आया है, तो यानी ये क्या हो गया 15³। तो उसका a³ = 15³, यानी a जो है वो क्या हो गया 15 cm, साइड उसका 15 cm निकल गया। फिर आपको क्या दे रखा है, आपको एक क्यूबॉइड है जिसका बेस एरिया 800 m² है, क्यूबॉइड है और उसका बेस एरिया जो है, यानी ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं जिसको मैं शेड कर दे रहा हूं, इसका एरिया आपको 800 m² दिया हुआ है। तो बेस एरिया जो है वो क्या होता है, L × b होता है, तो वो आपको गिवन है और इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 6400 m³। आपको हाइट निकालना है, तो हाइट जो है वो वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है, L × b × h,
तो हाइट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम को बेस एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा। वही मैंने किया है, हाइट इक्वल्स वॉल्यूम डिवाइडेड बाय बेस एरिया, तो आपका आ गया डिवाइड होकर के 8 मीटर। अब यहां पर एक ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है कि इसके दो पैरेलल साइड हैं, ये और ये साइड पैरेलल है, जिसमें एक है 10 मीटर का, दूसरा है 30 मीटर का, और इसका डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड ये जो है ये 12 मीटर है। ट्रेपीजियम का एरिया पूछ रहा है, तो ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट। क्या हो गया, हाफ पैरेलल साइड का सम कितना होगा, 10 प्लस 30 ले लिया और हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, हाइट कितना है 12, 10 प्लस 30 40 को 2 से काटा तो 20 बार में, और 20 को 12 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 240 मीटर स्क्वायर। फिर आपको एक क्यूबॉइड का डायमेंशन दिया हुआ है और बोलता है कि उसके अंदर कितने क्यूब आएंगे जिनका साइज ये है 10 सेंटीमीटर। तो बेसिकली स्मॉल क्यूब्स का नंबर निकालना है, तो वो क्या होगा, वो होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L(b)(h), क्यूब का वॉल्यूम होता है a³। तो यहां दिया हुआ है एल आपको 50 है, बी 40 है, एच 30 है, 50 × 40 × 30 और a³, a तो आपको दिया हुआ है 10, तो 10 × 10 × 10, तो एक एक जीरो कट गया, बचा क्या, इधर 5, इधर 4, इधर 3, 5 × 4 = 20 × 3 = 60 क्यूब्स जो है उसके अंदर आएंगे। फिर ये एक क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि आपको शेडेड रीजन का एरिया मांग रहा है। तो शेडेड रीजन जो है आप देख रहे हैं ना, एक बड़ा रेक्टेंगल है ABCD, एक छोटा रेक्टेंगल है EFGH। बड़ा रेक्टेंगल है, उसका लेंथ है 30 और उसका विड्थ जो है वो है 15। जो छोटा रेक्टेंगल है उसका L है 10 और उसका B है 5। तो शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया रेक्टेंगल EFGH। रेक्टेंगल का बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया L × b, छोटे वाले का स्मॉल L × b, तो 30 × 15 − 10 × 5, तो ये क्या हो गया 450, और यहाँ 10 × 5 = 50, माइनस करोगे तो 400 cm². फिर यहां पर भी आपको शेडेड रीजन का एरिया पूछ रहा है, शेडेड रीजन करना क्या है, एक छोटा सर्कल है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल में क्या होता है, सेंटर सेम रहता है, रेडियस अलग अलग होता है। तो जो छोटा रेडियस है वो है 7, बड़ा रेडियस है 14। तो बड़ा सर्कल का एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस छोटा सर्कल का एरिया पाई छोटा आर स्क्वायर। पाई कॉमन ले लो, क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7, आर जो है 14 का स्क्वायर, छोटा आर है 7 का स्क्वायर, और 196 में से 49 करोगे माइनस तो 147, उसको 7 से कटाओगे 21, मल्टीप्लाई करके आ गया 462 cm². अब यहाँ एक फिगर है जिसमें आपको इस क्वाड्रिलैटरल का एरिया निकालना है। तो दो ट्रायंगल है, ADB का एरिया निकाल दो और ये दूसरा DBC का एरिया निकाल दो और आपका काम हो जाएगा। तो बेस दिया हुआ है, बेस जो है वो डायगोनल है BD, जो कि 15 है 15 cm, हाफ इंटू 15, और उसका हाइट जो है वो 10 है, एक हाइट B पे 10 है और दूसरा हाइट जो है वो 8 है। तो 10 और यहाँ पे हाइट 8 रखा, कैलकुलेट कर लिया तो 135 cm². तो ये था दोस्तों, थैंक यू।